अनौपचारिक तर्क दोषों में आज हम बात करेंगे संदिग्धार्थक तर्क दोष पर या अस्पष्टता दोष भी कहते हैं इसे, यानी इसमें अस्पष्टता जो है वो तर्क दोष का मूल कारण है। अब अस्पष्टता जो है वो व्याकरण को लेकर हो सकती है, अस्पष्टता जो है वो शब्दों पे जोर देने को लेकर हो सकती है, वो अस्पष्टता जो है वाक्यों के संयोजन को लेकर हो सकती है, वो अस्पष्टता उसमें जो पद या उसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसको लेकर अस्पष्टता हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि संदिग्धार्थक तर्क दोष पर जो काफ़ी बात हो चुकी है, अब हम आज मुख्य रूप से संदिग्धार्थक तर्क दोष के जो प्रमुख प्रकार हैं वो उन पर बात करेंगे। संदिग्धार्थक तर्क दोष के मुख्य रूप से पांच प्रकार बतलाए गए हैं। सबसे पहला तो ये है कि अनेकार्थता दोष, यानी कि जो पद प्रयोग में लिए जाते हैं उन पदों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, और कहने वाला किस अर्थ में कह रहा है और सुनने वाला उसको किस अर्थ में ले रहा है, इसके कारण भी युक्ति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और कई बार एक ही व्यक्ति जो कह रहा है उसी के वाक्यों में ही विरोधाभास स्पष्ट होता है कि वो एक आधार वाक्य में उस पद का जो अर्थ ले रहा है उसका उल्टा जो है वो दूसरे आधार वाक्य में उसका प्रयोग कर रहा होता है। जैसे मैंने शुरुआती उदाहरण में कहा था कि सभी द्विज वेदपाठी हैं, सभी पक्षी द्विज हैं, अदर सभी पक्षी वेदपाठी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो द्विज शब्द है उसके दो अर्थ हैं, और युक्ति देने वाले ने जो भूल की है या जो चालाकी की है वो ये की है कि पहले आधार वाक्य में द्विज का अर्थ उसने ब्राह्मण माना है और दूसरे आधार वाक्य में उसने द्विज का मतलब पक्षी माना है, और तो फिर निष्कर्ष में जो चीज़ स्पष्ट सामने आई है वो दोषपूर्ण हो जाती है। इसलिए जब हम एक से अधिक अर्थों का इस्तेमाल करते हैं तो अनेकार्थक दोष होता है। उसके बाद है वाक्य छल दोष। वाक्यों में जो छल होता है, जैसे होता है कि आप किसी से कहें कि क्या तुम इस आले में रुमाल बिछा के सो सकते हो, तो कहेगा कैसे सो सकते हैं, आला तो छोटा है। तो कहने वाला व्यक्ति आले में रुमाल बिछाएगा और जाके पलंग पे सो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने सुना वो ये मान के चल रहा था कि आले में रुमाल बिछाना है और सोना है, और जो कहने वाला व्यक्ति है वो आले में रुमाल बिछाना एक क्रिया मानता है जो पहली क्रिया है, और दूसरी क्रिया है जो सोने की है। तो वो आले में रुमाल बिछाने की क्रिया पूरी करता है, उसके बाद पलंग पे जाके सोने की क्रिया पूरा करता है। तो ये दो दो क्रियाओं का जो संयोजन है वो उस अर्थ में ले रहा था, और समझने वाले ने उसको एक ही काम माना, तो ऐसा ये दोष उत्पन्न होता है। फिर स्वराघात दोष, यानी कि स्वर पे जो आघात है उनसे भी कई बार दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे तीन शब्द हैं, रोको मत जाने दो, तो अब रोको पे जोर दे लो, अगर आप रोको मत जाने दो तो रोकना नहीं है, रोको मत जाने दो तो जाने देना है। तो एक ही प्रकार के शब्दों पे स्वराघात करने से, जैसे अच्छा अच्छा, एक अच्छा से ही हम जोर देकर हम उसके अर्थ के मायने बदल जाते हैं। फिर है सहति दोष। सहति दोष जो है वो इस तरह से होता है कि जब हम अंशों का जो अंशों पे जो नियम लागू होता है वो पूर्ण पे लागू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे को खाना खिला सकते हैं, तो कोई कहेगा जब तुम एक बच्चे को खिला सकते हो तो फिर शहर के सारे बच्चों को खिला सकते हो, कि तुम बच्चों को खाना तो खिला ही सकते हो। तो एक व्यक्ति एक बच्चे को खाना खिलाने की सामर्थ्य रख सकता है, दो की रख सकता है, पर पूरे शहर को तो नहीं खिला सकता। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि एक परमाणु इतना सूक्ष्म है तो स्पष्ट है सारी वस्तु भी सूक्ष्म है क्योंकि वो परमाणु से बने हैं, लेकिन अंश पे जो नियम लागू होता है उसको पूर्ण पे लागू कर देने से वो तर्क दोष उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं सहति दोष। उसके बाद इसका उल्टा है विग्रह दोष। जब हम पूर्ण का आरोपण अंश पे कर देते हैं तो वह कहलाता है विग्रह दोष। जैसे मान लीजिए हम अपनी मुट्ठी से किसी दीवार में छेद कर सकते हैं, तो कहेगा कि जब मुट्ठी जो है वो अंगुलियों से बनी है, जब तुम मुट्ठी से दीवार तोड़ सकते हो तो तुम्हारी अंगुली भी उस दीवार को छेद सकती है। ये हुआ विग्रह दोष, जब पूर्ण का जो नियम है वो अंश पर लगा देते हैं। अगर एक पूरी सेना को युद्ध जीत सकती है तो तुम तो उसी सेना के आदमी हो, तुम भी तो उनको हरा सकते हो। अगर ऐसा कोई कहे, ऐसी कोई युक्ति दे, तो वह कहलाती है विग्रह दोष से युक्त।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदिग्धार्थ तर्क दोष में जो है वो मूल रूप से जो दोष हैं वो स्पष्टता से संबंधित ही हैं, यानी कि बात स्पष्ट नहीं होती, बात अस्पष्ट हो जाती है शब्दों के अर्थों के कारण, आपके लहजे के कारण, आपके उच्चारण से और आपके जो भी मानसिक पूर्वाग्रह हैं उनके कारण जो आपके दोष, जो आपके पूर्वाग्रह हैं उनसे तो दोष उत्पन्न हो जाता है, उनसे जो अस्पष्टता सामने आती है वही संदिग्धार्थक तर्क दोष कहलाता है, यानी सारा मामला ही संदिग्ध होता है, उसमें स्पष्ट नहीं होता कि रोकना है कि जाने देना है, कि पूर्ण की बात हो रही है कि अंश की बात हो रही है, कि ब्राह्मण की बात हो रही है कि द्विज की बात हो रही है, कि दो वाक्य जो कहे गए हैं वो दो अलग अलग क्रियाएं हैं या कोई एक ही क्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तर्क दोष एक बहुत ही सामान्य तर्क दोष है और अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें अपने अर्थों में और अपने व्यवहारों में, अगर हम संयत रखें तो इन तर्क दोषों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।